नमस्कार। आज इस मॉडल के द्वारा हम आपको पाइथागोरस प्रमेय और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस दोनों के बारे में ही बताएंगे। यह एक वर्किंग मॉडल है जिसमें हमने एक बॉक्स को एक डी से कुछ दूरी पर रखा है। यह दूरी है 46 सेंटीमीटर। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस बॉक्स को इस पुली की मदद से हम जितना चाहें उतना ऊपर उठा सकते हैं। और मान लीजिए हमने इस बॉक्स को यहाँ से 26 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया। अब हमारे पास इस मॉडल की, पीछे जाओ, इस मॉडल की ऊंचाई आ गई 26। अब इस मॉडल की ऊंचाई आ गई 29 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह है 46 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हाइपोटेन्यूज की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमने सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय, जिसका सूत्र है एक्स स्क्वेयर बराबर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, तो इस सूत्र की मदद से हम इस हाइपोटेन्यूज, इस दूरी की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा पहलू भी देखें, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इसी मॉडल की मदद से जान सकते हैं। इस बॉक्स को हमने 35 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा, तो धरती से इसकी जो ऊंचाई है वह आ गई 35 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह है 46 सेंटीमीटर। तो फिर से हम सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही इसका हाइपोटेन्यूज ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों ही चीज़ें हमारे पास ज्ञात, हमें ज्ञात हो जाएंगी। उसके बाद हम सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से इस कोण का पता लगाकर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वर्किंग मॉडल के द्वारा हम पाइथागोरस प्रमेय और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों ही सिद्धांतों को बड़े अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।